साथियों हम सब यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन के कर्मी के नाते सारे शिक्षक और सोशल मूवमेंट एक्टिविस्ट एंड सोशल वर्कर्स यहाँ जितने हैं हम सब एक बहुत बड़ा आंदोलन का हिस्सा है जिसके बारे में अम्बरीश जी अभी आपको बताए। तो ये आज का जो कन्वेंशन है इसका दो महत्व है। एक है कि ये जो एक्ट 10 साल इस साल 10 साल पूरा हो जाएगा और इसीलिए ये 9th स्टॉक टेकिंग कन्वेंशन है। हर साल हम लोग यहाँ मिल के देखते हैं कहाँ तक हम आए हैं, कहाँ पीछे चले गए हैं। अभी ये 5 साल में हम कुछ क्षेत्र में पीछे चले गए हैं, उसका बारे में चर्चा होगा। तो ये जो 10th एनिवर्सरी ऑफ द एक्ट, इसमें हम कितने आगे गए हैं और क्या हम चाहते हैं, उसके बारे में हम विचार करेंगे। दूसरा इसका महत्व है कि अभी चुनाव होने वाला है, जैसा अमरीश जी बताया, कैसा इसको एक प्राइम एजेंडा में लाएं। तो मेरा एक सुझाव है, आपका इलाका में जब भी चुनाव मीटिंग होगा आप खड़े होके एक सवाल पूछिए और मीटिंग होने से पहले एक चिट्ठी भेजिए ऑर्गेनाइजर्स को कि राइट टू एजुकेशन हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में करने के, इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या किए हैं और क्या करने वाले हैं। हमारा ये मुद्दे हैं, हमारा जो आज का जो रेजोल्यूशन होगा इसको आप अपना क्षेत्र में लेके जाइए। दोस्तों ये आंदोलन को हम सारे जन आंदोलन के साथ मिलाना होगा। अब देश का एक बहुत बड़ा दुर्बलता यह है कि हम फार्मर्स मूवमेंट, वीमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, इवन हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ मूवमेंट, राइट टू हेल्थ ग्रुप्स के साथ एजुकेशन मूवमेंट जुड़ा नहीं हुआ है। तो हम आज, हमारा ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है यहाँ सब जो हैं कि जो भी आंदोलन चल रहा है वहां हम जाके बोलेंगे कि आप शिक्षा अधिकार को उसमें जोड़िए, क्योंकि फार्मर्स चिल्ड्रेन, वर्कर्स चिल्ड्रेन, दलित चिल्ड्रेन, आदिवासी चिल्ड्रेन, उनके लिए शिक्षा अधिकार बहुत बड़ा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह का शिक्षा हमारा देश में चल रहा है उसमें असमता बढ़ रहा है और हमारा ये कोठारी कमीशन और उससे पहले हमारा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में हमारा ये आकांक्षा था कि एजुकेशन के जरिया, शिक्षा के जरिया हम समता लाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का ये विजन था, लेकिन असमता, विषमता बढ़ रहा है ये शिक्षा व्यवस्था में। इसीलिए साथियों आज का जो कार्यक्रम होगा उसमें ठोस निकलना चाहिए कैसा हम इस आंदोलन को आगे लेंगे और जो सब हुआ है पिछले 10 साल में, खास तौर पे पिछले 4.5 साल में, उसका चर्चा करेंगे और हम नया तथ्य और नया टूल्स, नया वेपन्स हाथ में लेके जाएंगे अपना इस चुनाव महल में, कैसा हमारा राजनीति में शिक्षा अधिकार को फिर हम केंद्र को लाएंगे। हमारे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े विद्वान गवेषक हैं जिन्होंने इसके इस मुद्दा पे काम किए हैं और सबसे पहले हम एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। अंजलि तनेजा जी ऑक्सफैम का, जो इस एरिया में बहुत काम किए हैं हमारे साथ, उसके बाद और 5 स्कॉलर्स हैं। तो सबको मेरा निवेदन होगा, अंजलि जी थोड़ा बेसिक ज़्यादा टाइम लेना चाहिए रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, 15 मिनट, बाकी सब 10-10 मिनट, और उसके बाद कुछ खोला चर्चा होना चाहिए। और इसीलिए साथियों आज एक डिटर्मिनेशन, एक शपथ लेके हम जाएंगे कि अब ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन में इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड।
तो साथियों ज्यादा समय न बिताते हुए क्योंकि हम पहले से पीछे चल रहे हैं और दूसरी बात पिछली बार के अनुभव के आधार पे हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा मिक्सचर चाहिए होगा क्योंकि हमारे साथ कुछ साथी हिंदी नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा हमारे सदन कलीग्स के लिए थोड़ा सा विल नीड टू यूज सम इंग्लिश एज वेल सो दैट वी आर अंडरस्टूड बाय एवरीवन इन द रूम सो फॉर्चुनेटली दिस स्लाइड्स आर इन इंग्लिश सो दैट कुड टू एन एक्सटेंट हेल्प ऑल्सो फॉर दिस सेशन एट लीस्ट रिपोर्ट कार्ड का तर्क का बेसिस चार किस्म से है एज यूजुअल आपके हाथ में आपके किट में ड्राफ्ट रिपोर्ट कार्ड है इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट प्लीज लेट अस नो वी विल ब्रिंग इट आउट एज अ फाइनल रिपोर्ट लेटर द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट इज फोर फोल्ड रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में शिक्षा के मुद्दे के लिए क्या कस्में वादे किए दूसरा कौन से चीज़ें जो हम समझते हैं कि महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए लेकिन मैनिफेस्टो में छूट उन्होंने नहीं डाला तीसरी बात है अल्टीमेट जिसमें एक बड़ा हिस्सा है कि हम ये आरटीई फोरम है इसलिए आरटीई के क्रियान्वय वाले बिंदु पे विशेष ध्यान दिया गया है और क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और हमारे पास एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो विशेष ध्यान उन डिमांड्स पे भी मोटा मोटा मैनिफेस्टो में दो बड़े बिंदु हैं एक है आरटी का इम्प्लीमेंटेशन बोला है उन्होंने करेंगे और उन्होंने बोला है कि वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करेंगे Therefore, the fact of the matter is, 5 साल में 4% की बढ़ोतरी हुई है in terms of RTE, number of schools that are RTE compliant. अब गणित लगा लो इस गति से हमें लगभग 90 साल लगेंगे हर स्कूल को RTE compliant करना पीछे दूसरा हिस्सा है secondary education. भाई नेट एनरोलमेंट तो अभी भी 80 है यदि हम ऑन टाइम एनरोलमेंट की बात करते हैं वगैरह वगैरह फिगर और भी नीचे होता है सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं कि नहीं वो अलग मसला है लेकिन कितने हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बच्चों के लिए उस पर बहुत बड़े सवाल हैं ना ही अपर प्राइमरी के बाद स्कूल्स की कमी है और निशुल्क सेकेंडरी शिक्षा अभी भी निशुल्क नहीं है इसलिए गरीब परिवारों से बच्चे नहीं जा पाते हैं और संख्या सेकेंडरी एजुकेशन में फीस चार्जिंग प्राइवेट स्कूल्स की ज़्यादा है इसलिए रिलायंस ऑन प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा विशेषतः सेकेंडरी एजुकेशन को प्रभावित करता है नेक्स्ट स्लाइड मैनिफेस्टो में टीचर्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया बोला कि शिक्षकों की कमी पूरी करेंगे और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सुधारेंगे वास्तविक तस्वीर है कि अभी भी कि कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है पीटीआर में लेकिन अभी भी एक तिहाई स्कूल्स पीटीआर का के नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं इनके सो कॉल्ड एड्रेसिंग अक्यूट शॉर्टेज के एफर्ट के बावजूद अभी भी 10 लाख शिक्षक के पद रक्त हैं अभी भी 13% टीचर्स कंट्रैक्चुअल हैं और कंट्रैक्चुअल और नॉन कंट्रैक्चुअल के बीच की जो डेफिनेशनल डिफरेंस है वो भी पिछले 5 साल में कम होता हुआ नजर आ रहा है और गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षक अभी भी लगे हैं और शिक्षकों के मुद्दे पर ज़रूर ध्यान हुआ कुछ हद तक गैर शैक्षणिक काम करने वाले जो मजदूर हैं जो स्कूल में काम करते हैं मध्यान्ह भोजन के कार्यकर्ताओं का इस समय बिहार में स्ट्राइक चल रहा है कोर्ट ने इंटरवीन किया सैनिटरी वर्कर्स के राइट्स पे स्कूल्स के अंदर आदि तो इसलिए टीचर्स के अलावा भी लोग स्कूलों में काम करते हैं और उनके मुद्दे इग्नोर हुए हैं 5 साल में टीचर ट्रेनिंग पे ज़रूर ध्यान कुछ हद तक हुआ परंतु
खाना पूर्ति हो रही है एनआईओएस के थ्रू एनसीटी के पूरे मापदंड को इग्नोर करते हुए, डाइट्स की स्थिति सुधर, यदि आपको टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पर ध्यान देना था तो डाइट्स की स्थिति वहीं की वही है, थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज ज़रूर हुआ है लेकिन चीज़ें पूरी तरह से सुधरी नहीं है। बोला है कि शिक्षा को स्ट्रेस फ्री बनाएंगे और शिक्षकों का बर्डन और किताबों का बर्डन कम करेंगे। मेरे ख्याल से तो व्यक्तिगत जो मेरी सोच है कि किताबें स्कूल में आ जाएं, वही मेजर अचीवमेंट है। बर्डन ऑफ बुक्स तब कम होगा जब किताबें आए तो सही स्कूल तक। तो कई राज्यों में जो परिस्थिति है कि किताबें टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो प्रावधान हुआ है कि किताबों की जगह पर पैसा देना, से किताबें तो नहीं आई, माँ बाप के खाते में पैसे ज़रूर आए कुछ जगह पर, और उन खाते का खाने खाते में आए हुए पैसे का इस्तेमाल शिक्षा के अलावा सब चीज़ के ऊपर खर्च हुआ। उसके अलावा वेट ऑफ टेक्स्ट ऑफ बैग्स पे बहुत ज़रूर एफर्ट हुआ, और करिकुलम में कटाई हुई इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द ओवरऑल करिकुलम बाय 10-12%, विशेषतः सोशल साइंसेज में जहां पर काटना था कुछ कंटेंट उनको खास, तो वो कटा। आगे बोला टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे, भाई बिजली का कनेक्शन तो 10% ही बढ़ा 5 साल में, बिना बिजली के आईटी कैसे चलेगा। फंक्शनल कंप्यूटर में की संख्या में कमी हुई मार्जिनली, लेकिन टू बी फेयर समग्र शिक्षा अभियान के तहत शायद कुछ प्रोक्योरमेंट हुई होगी पिछले साल में, लेकिन उसका वर्तमान समय में हमारे पास डेटा नहीं है। तो इस लेकिन आईसीटी से जिस स्कूलों में टेक्स्ट बुक्स नहीं है, जिस स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है, वहाँ पर डिजिटल ब्लैक बोर्ड खड़ा करना कितने हद तक वाइज इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में भी हमें शायद सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। बोला है कि वैल्यूज़ और पे ध्यान देंगे और स्टूडेंट्स के डाइवर्स टैलेंट्स को फैलाएंगे। भाई कितना वैल्यूज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ, और वैल्यूज़ अच्छे हैं कौन से बुरे हैं हम कौन होते हैं बताने के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि MHRD ने इस साल से यूनिफॉर्म कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑन वैल्यूज़ एस्टैब्लिश करने की का डिसीजन लिया है, जिसमें 4 वैल्यूज़ जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी पे ध्यान दिया। एक जो सेकुलरिज्म थोड़ा सा छूटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो शायद सरप्राइजिंग नहीं है वर्तमान समय में। उन्होंने बोला कि कोशिश करेंगे कि भारत की गरिमा पहचानी जाए टेक्स्ट बुक्स के अंदर और सिलेबस के अंदर, तो इसलिए 5 साल में हर बीजेपी रूल्ड स्टेट में लगभग करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में चेंज हुआ, अजीब अजीब चेंजेस हुए जो नया इतिहास बनाने की कोशिश की गई। ज़रूर एक भारत एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत का एक योजना भी निकली, जिसके लिए कुछ अलग राशि नहीं है लेकिन स्कीम है। साइंस पे पॉपुलराइजेशन पे उन्होंने बोला कि वो विशेष ध्यान देंगे, लेकिन सेकेंडरी टीचर्स जो मैथ्स फॉर एग्जांपल पढ़ा सकते हैं उसमें 20% में कटौती हुई है, देयरफॉर साइंस पढ़ाएंगे बिना टीचर के बहुत अजीब लगता है फिगर्स देख के। और उसके साथ साथ जो हमारे मंत्री महोदय और अन्य सीनियर लोगों के जो बयान जो अनसाइंटिफिक पिछले 5 साल से आते रहे, डार्विन के थ्योरी के ऊपर सवाल उठाने से लेके गणेश जी के सिर तक सारे बयान हमने 5 साल तक सुने, तो उससे कितने हद तक साइंस पॉपुलराइजेशन हुई आप खुद समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फैसिलिटीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। स्वच्छ भारत ठीक है, प्रधानमंत्री जी का ध्यान था उसके ऊपर, मार्जिनली इम्प्रूवमेंट हुआ।
उन्होंने बोला स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पे ध्यान देंगे, 6-5% के करीब परसेंटेज ऑफ स्कूल जहां चेकअप हुआ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। बोला कि क्रीड़ा पे और गेम्स पे और प्ले और स्पोर्ट्स पे विशेष ध्यान देंगे, 2% प्लेग्राउंड्स की संख्या बढ़ी। और ज़रूर स्कीम्स में इस सब चीज़ों के बारे में एम्फोसिस था, लेकिन सब जगह पर 2%, 3%, 5% 5 साल के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। भाषाओं पे बोला कि हम विशेष ध्यान देंगे, परंतु एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स लगाए जो केंद्रीय एक ही किस्म के भाषा में हैं। उन्होंने एमएलई में स्टेट्स ने जरूर कुछ कुछ कोशिश की 5 साल में, लेकिन सेंट्रल पुश तो नहीं नजर आया। अंग्रेजी बढ़ी सेंट्रल लेवल से भी और स्टेट लेवल से भी। अर्ली ग्रेड रीडिंग पे जरूर थोड़ा बहुत पॉलिसी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन पैसा नहीं लगाया। और साइन लैंग्वेज भी एक भाषा है जो विकलांगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसपे कोई भी एफर्ट नहीं हुआ। ये है जो उन्होंने बोला। जो उन्होंने नहीं बोला, लर्निंग एनवायरनमेंट। उन्होंने नहीं बोला कि हम टेक्स्ट बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारेंगे। उन्होंने नहीं बोला कि लाइब्रेरीज हम स्थापित करेंगे, और लाइब्रेरीज में फिर से वही 4-5% 5 साल के अंदर। सेफ्टी हम बच्चों को नहीं देंगे, उन्होंने नहीं बोला। गाइडलाइन जरूर निकले 5-6 साल तक, लेकिन अभी भी 7-8% ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें क्लासरूम्स में रिपेयर चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट अभी भी है लड़कियों का, कॉर्पोरल पनिशमेंट अभी भी है, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए भी पर्याप्त एफर्ट नहीं है। उन्होंने नहीं बोला कि उन्होंने इन दिनों में बहुत बोला कि हम लर्निंग आउटकम्स सुधारेंगे और लर्निंग आउटकम्स मेजर करेंगे। उन्होंने आरटीई के रूल्स अमेंड किए, उन्होंने एनएएस से शुरू किया, नाज का जो टेस्ट है, उन्होंने नाज को परफॉर्मेंस बेस्ड फार्मूला फॉर एलोकेशन के साथ जोड़ा। उन्होंने वो पिज़्ज़ा में वापस आए, उन्होंने क्वालिटी को एक लर्निंग आउट स्टैंडर्डाइज टेस्ट में मेजर करते हुई चीज तक सीमित किया। अंग्रेजी में कहते हैं वेइंग अ पिग रिपीटेडली डजंट मेक इट हैवियर। बार बार नापने से लर्निंग आउटकम्स को नापने से क्वालिटी नहीं सुधरती है, पर लर्निंग एनवायरनमेंट और क्वालिटी को सुधारने से क्वालिटी सुधरती है। वो थोड़ा सा मैनिफेस्टो में भी और काम में भी थोड़ा बहुत कमी ने महसूस हुई। सीसीई 4 साल तक गलत सीसीई चलाए, जिससे टीचर हुए परेशान, जिससे सीसीई के बंद होने तक की नजर आई। उस सीसीई पे तीर चलाने के बहाने एनडीपी गया, और नो डिटेंशन पॉलिसी का निर्णय स्टेट्स को दिया, और स्टेट्स अभी हमें सुनिश्चित करना है, क्योंकि अभी स्टेट से नोटिफिकेशन सब जगह से नहीं आए हैं। हम सुनिश्चित करें कि सरकार ने पढ़ाने में पर्याप्त प्रयास नहीं किए तो उसकी सज़ा बच्चों को ना मिले, विशेषतः दलित आदिवासी बच्चे। क्वालिटी के नॉर्म्स को चेंज करने की बात हुई पिछले 5 साल में, विशेषतर नीति आयोग के रिकमेंडेशन पे, कि इनपुट के जो नॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम आरटीई कंप्लायंस 12-13% है जो हम तब से बोल रहे हैं, वो नॉर्म्स हटाने की बात हुई। जो एनफोर्सेबल प्रोविजंस हैं उनको हटाने का के पूरे उन्होंने उनके संकेत नजर आते हैं, शायद यदि वो सरकार दोबारा से आती है अगले साल के एजेंडा में आएगा। एक्विटी उन्होंने जरूर बोला कि हम एनेबलिंग इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे समान अवसर देने के लिए, लेकिन सिस्टम अभी भी अनइक्वल है। केंद्रीय विद्यालय को में 27,000 प्रति बच्चा खर्च होता है, समान सरकारी स्कूल में 3,000 प्रति बच्चा।
तो जब सरकार खुद ही असमान शिक्षा प्रणाली चलाती है तो हम कैसे उम्मीद करें कि बाकी घटक भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें? डिस्क्रिमिनेशन कास्ट और जेंडर के आधार पर रुका नहीं, मध्याह्न भोजन पे उन्होंने बोला को सुधारेंगे, जरूर सीएजी से की रिपोर्ट में काफी कमियां नजर आईं, ये जरूर एनालिसिस हुआ कि जहां भी मेन्यू जरूर उन्होंने चेंज किया पांचों साल में, जिस देश में वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में सब जगह से अंडा हटा और जब बीजेपी की सरकार गई तो अंडा वापस आया, तो वो भी खेल हुआ खाने के साथ। और कुक्स ऑफ मिड डे मील का मुद्दा मैं एक बार पहले उठा चुकी हूँ, यदि आपको मध्याह्न भोजन देना है तो जो उस मध्याह्न भोजन को बना रही है उसके अधिकारों को उसके वर्किंग कंडीशंस पे अभी हमें शायद ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने बोला CLPRA को अमेंड करेंगे, कर दिया भाई, अब एडोलेसेंस को छूट है, परिवारों में बाल श्रम परमिटेड है और रिहैबिलिटेशन के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो भी होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला एक वन बंधु कल्याण योजना चलाएंगे, बहुत जोर जोर से बोला, एक नया नेटवर्क ट्राइबल की शिक्षा के लिए स्थापित करेंगे। भाई वन बंधु योजना 14 में जरूर शुरू हुई, जब वो सरकार में आए तो जरूर शुरू हुई, 2 साल के अंदर उनका बजट 1 करोड़ तक ही सीमित किया, और एकलव्य स्कूल जरूर शुरू हुए, लेकिन आश्रमशाला में आदिवासी के अधिकारों का अभी भी हनन हो रहा है और आदिवासी भाषाओं के ऊपर जितना ध्यान देने चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। मुसलमानों की शिक्षा में उन्होंने बोला लड़कियों मदरसा मॉडर्नाइजेशन और उर्दू भाषा पे ध्यान देंगे। कम्युनलाइजेशन हुआ माहौल का और शिक्षा का भी, और लड़कियों का ड्रॉप आउट विशिष्ट सेकेंडरी एजुकेशन में अभी भी है। लड़कियों पे उन्होंने बोला कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लॉन्च करेंगे। भाई लगभग 60% पैसा एडवर्टिजमेंट पे लग रहा है और कोई इम्पैक्ट तो दिखने ना, उन्होंने इस असेसमेंट किया ना हमें दिख रहा है, और ऊपर से पिछले साल बजट भी काट दिया। विकलांगों के लिए नया कानून जरूर लाए जो उन्होंने बोला, लेकिन उसका उसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए, इसके साथ कंफॉर्मिटी लाने के लिए RTE का भी अमेंडमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो RTE एक्ट इस समय एक लैप्स्ड कानून को रेफर करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ना नोटिफिकेशंस हुए, ना बजट डला, ना लोग अपॉइंट हुए, और ऊपर से जो पर्संस विद डिसेबिलिटीज़ को के नाम को ही बदला गया, अब दिव्यांग शब्द का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब लोग अब हमारे जैसे लोग भी इस्तेमाल करने लग गए। नेक्स्ट स्लाइड। आउट ऑफ स्कूल हैं स्पेशल हैं 60 लाख, इनरोल होते हैं पिछले इनरोल हुए 5 लाख, 3 लाख 4 लाख जिसमें से पिछले साल की संख्या में से 5 लाख में से सिर्फ 4 लाख के करीब स्कूल में वापस जुड़े, 1 लाख तो अपने आप ही ड्रॉप आउट हो गए। माइग्रेंट्स पे और काम करने की ज़रूरत है। स्कूल्स पिछले गए सालों में स्कूल्स बंद हुए सरकारी, जिनको विशेषतर जिसमें आदिवासी और दलित के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। प्राइवेट स्कूल्स कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ा 5 साल में, सरकारी स्कूलों की संख्या सिर्फ 2% जो बढ़ी है पिछले 5 साल में, परंतु प्राइवेट स्कूलों की 25% स्कूल बढ़े, उसमें सरकारी स्कूल में नामांकन 8% घटा,
प्राइवेट में 24% बढ़ा, प्राइवेट स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट को हैंडओवर करने की कोशिश की गई जैसे राजस्थान में, और अनरिकग्नाइज स्कूल के कानून के हिसाब से अनलॉफुल होने के बावजूद अनरिकग्नाइज लोफी प्राइवेट स्कूल्स अभी भी हैं हमारे देश में. 12(1)(c) का एक्विट को जोड़ा गया था एक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उसके अलावा सब पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट हो रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. ECD मैनिफेस्टो में नहीं, मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में जो खिचड़ी पकी है पिछले 5 साल में कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन विभाग के बीच में टर्फ के मुद्दे रिजॉल्व बड़े हैं ना कि रिजॉल्व हुए, और रिलोकेशन का आदेश निकला आंगनवाड़ी प्राइमरी स्कूल में चले जाए, लेकिन प्राइमरी स्कूल क्या उन आंगनवाड़ियों के लिए तैयार है वो उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं. नेक्स्ट स्लाइड. भैया कसमें उन्होंने प्रॉमिस किया 6% GDP, भाई हमने तो 6% नहीं देखा, और उन्होंने खुद ही बोला कि वो PPP करेंगे, उन्होंने बोला कि वो सर्व शिक्षा अभियान का रिव्यू करेंगे, इतना अच्छा रिव्यू कर लिया कि SSA को समग्र को बंदी करके समग्र शिक्षा अभियान ले आए, और उन्होंने बोला कि नेशनल कमीशन और नई पॉलिसी बनाएंगे, अभी तक तो नहीं बनी. दूसरे शब्दों में 5 साल निकले जो ग्रेजुअल बिना किसी एफर्ट के 1-4% वाला ही इम्प्रूवमेंट हुआ है जहां जहां हुआ है. ठोस कमिटमेंट ठोस एफर्ट हुई नहीं, इसलिए जहां तक रिपोर्ट कार्ड का सवाल है तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है, बस मात्र इतना कहते हुए धन्यवाद. जिसमें 3 हाईलाइट जरूरी याद रखना चाहिए. अभी तक ये जो समग्र शिक्षा अभियान के नाम पे किस तरह का एम्फेसिस सीरियस चीज़ें का ऊपर कम हुआ है. दूसरा, ये जो वैल्यू एजुकेशन के नाम पे कम्युनलिज्म और उस तरह का चीज़ें कैसा बढ़ा है. तीसरा, प्राइवेटाइजेशन कैसा बढ़ा है, और ये तीनों चीज़ बहुत शार्प ले आया है. बहुत सारे चीज़ और आएंगे. मैं अभी विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ, हम उड़िया हिंदी बोलेंगे, आप द फेमस इकोनॉमिस्ट फ्रॉम JNU प्रोफेसर प्रवीण झा. Thank you, Chair, Professor Mohanty, colleagues here on the dais, and friends and colleagues in the audience. As is quite evident that we have lots of issues. वो दो चार महीने बात करते रह सकते हैं कि जो अम्बरीश भाई ने कहा, इस रिपोर्ट कार्ड में जो अंजलि ने बताया, अगर इन सबको देखें तो इतनी सारी समस्याएं इस क्षेत्र को लेके हैं, शिक्षा को लेके, कि कभी कभी सोच के अजीब लगता है कि साहब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ. आज़ादी के बाद से चीज़ें सुलझनी चाहिए थी, ये उलझती कैसे चली गई. तो बहुत ही एक विस्तृत पटल है, इट्स अ लार्ज कैनवस दैट वन नीड्स टू डील विथ, एंड गिवन द फैक्ट दैट वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड make a few remarks, what I would do is to stay away from a number of very critical questions which have been raised, except mention a couple of these in passing, and focus very much on issues of allocations, budgets, etc., which
is an area that I look at a little more closely than many other areas. First, a couple of general remarks. I think any movement for good quality education anywhere in the world has to connect with common school system. If you remain disconnected with that, in a fundamental sense, it's a non-starter. आप फिर हाशिए पे कभी इस मांग को लेके बात कर लेंगे, उस मांग को लेके बात कर लेंगे, लेकिन मूल बात ये है, और ये दुनिया का इतिहास बताता है। OECD कंट्रीज को देखिए, आज से 20-21 वर्ष पहले तक 100% पूरी शिक्षा जो थी, वो पब्लिक प्रोविजनिंग थी, कॉमन स्कूल सिस्टम थी, और उसमें वेरिएशंस नहीं थे। जिस वेरिएशंस की चर्चा हो रही थी यहाँ पे, वो विनोद रैना मुझे कहा करते थे कि दिल्ली के स्कूलों को देखो तो सरकारी क्षेत्र में 38 किस्म के स्कूल हैं, सरकारी क्षेत्र में, हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात भी नहीं कर रहे। तो ये जो पूरा एक अजीब सा पागलपन है हमारी व्यवस्था में, उसको चैलेंज करना बड़ा ज़रूरी है। OECD कंट्रीज में अभी भी जो है 90% से ज़्यादा जो स्कूल्स हैं वो कॉमन स्कूल हैं। आप अमेरिका को जो है इमिटेट करना चाहते हैं, सीखिए उनसे। नेबरहुड स्कूल सिस्टम उनका जो है, उसमें बराक ओबामा साहब का भी की बिटिया भी जाती थी, और जो व्हाइट स्कूल व्हाइट हाउस में जो कर्मचारी थे उनके भी बच्चे जाते थे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप इसको, आप कह सकते हैं साहब ऑपरेशनली ये थोड़ा ऐसा नहीं है जो बहुत लोगों को एक्साइट करेगा, तो चलिए, लेकिन कम से कम उससे जोड़ के रखना बड़ा ज़रूरी है। और इसलिए वो जो एक मुद्दा है, और उसके बहुत सारे पक्ष हैं जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ देम विल टॉक अबाउट इट, बट टू डू दैट ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक दिस वेरी सीरियसली। और किसी भी चीज़ को आप सीरियसली लेना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए। अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं कि साहब बोलते रहें जो भी बोलना है, आउटपुट्स की हम बात कर लेंगे। एक संस्था है इस देश में जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, और उससे घटिया अर्थशास्त्र कहीं से नहीं निकल के आ रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो तकरीबन अनपढ़ किस्म के लोग हैं अर्थशास्त्रियों में, उनको उसकी कमान सौंप दी गई है। तो क्या कहते हैं, इनपुट से कुछ नहीं होता है। ये उनका रिपोर्ट है, आप सभी लोग देखिएगा उसको। उस रिपोर्ट में यह है कि साहब इनपुट से कुछ नहीं होता है, आउटपुट की तरफ ध्यान दीजिए, और इनपुट और आउटपुट में कोई संबंध ही नहीं है। तो इनपुट को देखना बड़ा जरूरी है, एलोकेशंस को देखना बड़ा जरूरी है। एक दो आंकड़े मैं आपको बताता हूं। अगर आप OECD कंट्रीज के साथ तुलना करें पर यूनिट कॉस्ट जो है, पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर जो होता है, अमेरिका अभी भी हिंदुस्तान की तुलना में 50 गुना ज़्यादा खर्च करता है तकरीबन पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर दे, इन अ कॉन्टेक्स्ट वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेनी टाइम्स बेटर ऑन एन एवरेज, सो दैट यू एक्चुअली डोंट रियली नीड टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यू डोंट रियली नीड टू इन्वेस्ट इन अ होल लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर। उसकी तुलना आप हमारे साथ कीजिए, जहाँ की इतने गैप्स हैं, जिसकी सबकी चर्चा हो रही थी कि भाई वो 8-10-11% जो हैं वो RTE कंप्लायंट हैं, ऐसी स्थिति में तो उनका एक्सपेंडिचर देखिए, आप जर्मनी का देखिए, नॉर्वे का देखिए, किसी का भी देख लीजिए, OECD कंट्रीज को देखिए। यू आर टॉकिंग ऑफ अ रेंज विच इज रफली 40-70%। अगर आप ऐसे देशों से तुलना करें जिसको आप कहेंगे साहब तकरीबन हमारे जैसे ही हैं, हम कहते हैं ब्रिक्स में बैठना हमें अच्छा लगता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देखिए उनका एवरेज एक्सपेंडिचर देखिए, तकरीबन वहाँ भी आप देखेंगे 20-30% पर यूनिट एक्सपेंडिचर जो है बच्चों पे ज़्यादा होता है। तो ये तो स्थिति है। तो ऐसे संदर्भ में अगर हम इन चीज़ों से भागते रहेंगे, उसका एक कारण ये भी है कि हमारा जो टैक्स GDP रेशियो है वो ब्रिक्स की तुलना में तकरीबन आधे के आसपास आ जाता है। आप ब्राज़ील को देखिए तो वो 36% उनका टैक्स GDP रेशियो है, हमारा जो है 17% है।
तो उससे आपको जोड़ के देखना होगा. जब वहीं पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा ही नहीं तो शिक्षा या किसी भी चीज़ के लिए आप पैसा कहाँ से खर्च करेंगे. तो ये जो मुद्दे हैं इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. और आप देखें, वो आपने अम्बरीश भाई कहा कि कोठारी जी के समय से ये चर्चा हुए जा रही है. पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट का जो बजटरी स्पेंडिंग है एजुकेशन पे वो 4.6% से घट के 3.5% आ गया. तो कितनी जिम्मेदारी से हम इसका निवाहन कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं. आप एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी देखें, केंद्र सरकार का जो खर्च है वो 0.64% से घट के, सिर्फ केंद्र सरकार की बात में बता रहा हूं आपको, ये घट के 0.45 हो गया. तो फ्रॉम 0.64% टू 0.45%, तकरीबन 2/3 से ज़्यादा जो है राज्य सरकारें खर्च करती हैं शिक्षा पे और बाकी जो है केंद्र सरकार करती है. बाकी छोटे निकायों को आप उसमें जोड़ लें तो फिर थोड़ा और जो गैप है वो आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये तो एक स्थिति है जहाँ तक शिक्षा के प्रति एक्सपेंडिचर का जो सवाल है. आज तक यूनिट कॉस्ट को हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं. अगर यूनिट कॉस्ट को हम सीरियसली लें तो कोई तो एक बहस हो उस पर कि क्या होना चाहिए. हमारे पास उस बहस में बहुत तरह के जटिल मामले आते हैं, आते रहेंगे, वो तो होता ही रहेगा. लेकिन मान लीजिए उसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, कम से कम ये कह दीजिए कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसको ले लीजिए यूनिट कॉस्ट, उसको ले लीजिए और उसी तरीके का खर्चा हर बच्चे पे कीजिए. अगर आप कॉमन स्कूल सिस्टम ना भी कर रहे हैं कम से कम उस दिशा में कुछ तो आगे बढ़िए. तो एक टोटल लैक ऑफ सीरियसनेस, और वो सीरियसनेस जो है वो और कैसे घटता चला गया है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. आप अगर देखिएगा कि पिछले 5 वर्षों में अगर टोटल एक्सपेंडिचर हम देखें जो एजुकेशन सेक्टर को लेके स्कूल पे हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का टोटल एक्सपेंडिचर आप देखें तो ये जो है 2014-15 में 55,000 करोड़ था और अभी जो है 56,000 करोड़ है. बीच में काफ़ी घटा था, उसके बाद फिर जो है ये टोटल एक्सपेंडिचर में आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को लेकर वो फिगर आपको दे रहा हूँ, रियल टर्म्स में घट गया. अगर आप बस इन्फ्लेशन को उससे जोड़ के देखें और तकरीबन वहीं है अटका हुआ, तो घट रहा है. तो जहाँ तक एलोकेशन का सवाल है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, जब इस तरीके से वो ठहराव रहेगा तो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण एरिया हैं फिर उनके प्रति चिंता जो है बिल्कुल गायब सी हो जाती है. मसलन अभी कुछ टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर रहे थे और कैसे हमारे पास जो हैं वो पैरा टीचर्स, और पैरा टीचर का मतलब क्या होता है, जो वो शिक्षक की तरह हो, पैरा टीचर. अरे भाई शिक्षक की तरह क्यों, शिक्षक क्यों नहीं, स्कूलों में आपके आधे के आसपास तकरीबन वही हैं शिक्षक की तरह हैं. 10वीं क्लास के बाद भी, 12वीं क्लास के बाद भी आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम है, तो क्या करती है सरकार लेटेस्ट बजट में, टीचर्स ट्रेनिंग एंड एडल्ट एजुकेशन, देयर इज नो बजट, गायब हो गया. आप कह रहे हैं साहब उसको मजबूत करना है, हाँ वो पिछले साल के बजट में जो है 1,158 करोड़ से घट के 14-15 में 541 करोड़ हो गया था, इस बार गायब ही हो गया. तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, गायब हो गया. जो ये इंपॉर्टेंट एरियाज आप समझ सकते हैं जो एलोकेशन में होने चाहिए. तो इस तरह से और भी कई एरियाज हैं, तो अगर आप उन सबको जोड़ के देखें, इसी तरीके से आप अगर ये देखें कि कौन से हेड्स हैं जिसपे एक तरीके से उदासीनता बढ़ी है एलोकेशंस को लेके, तो जितने सारे मेजर शिक्षा के क्षेत्र में जितने सारे मेजर हेड्स सब हेड्स हैं सबके साथ वही स्थिति है. और ख़ास करके अगर आप उसमें देखें ऐसी चीज़ें जो प्रभावित करती हैं जो निचले 50-60-70% की जो जनसंख्या है उससे जुड़े हुए जो बच्चे हैं, एससीज़, एसटीज़, माइनॉरिटीज़,
बताया गया कि वो स्कूल बंद हो रहे हैं, एलोकेट नहीं करेंगे आप कहेंगे कि एक तरीके से हम जो है वी वांट अ बिगर बैंग फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बक, हर पैसे के लिए हमें जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो है प्रहार, उससे जो गूंज उठती है वो चाहिए। तो करते रहिए सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान के बच्चों पे, इफेक्टिवली यही हो रहा है। मतलब एक इतनी समझिए कि दुर्दशा वाली स्थिति है, इसलिए बहुत बातें जो आपको लगा शायद उस रिपोर्ट कार्ड में कि नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान इट्स अ ब्लडी स्कैम, इसके माध्यम से आरटीई गायब हो जाएगा और हम उसमें भी हम कुछ पॉजिटिव देखते हैं, क्यों देखते हैं, कोई कारण नहीं उसमें कुछ पॉजिटिव देखने का। लेकिन मैं उन विषयों पर नहीं जाऊंगा, जैसा मैंने पहले ही कहा आपको कि मेरी जो मुख्य जो समय के हिसाब से जो समय सीमा जो है उस लिहाज से मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहता था। तो जो अलग अलग आप देखिए 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान 24,097 करोड़ के आसपास था, उसके बाद वो पिछले बजट में घट के 23,000 करोड़ हो गया था, अभी 26,000 हो गया, तो तकरीबन वहीं अटका हुआ है। रियल टर्म्स में उसमें भी जो है वो नीचे आया है। इसी तरीके से अगर आप मिड डे मील को देखें तो उसमें जो है 10,523 करोड़, 9,949 करोड़, तो हम किस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं इसमें, जो अलग अलग महत्वपूर्ण धड़े और घटक जो हैं उसमें, ऑलमोस्ट एवरी इम्पॉर्टेंट आइटम इज समथिंग विच इज फेसिंग सीरियस इनएडिक्वेसी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सीरियस नेग्लेक्ट, फर्दर नेग्लेक्ट एंड एक्सेंचुएशन ऑफ दैट नेग्लेक्ट। तो दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि जो भी इस इलेक्शन वाले माहौल में इन पार्टी से आग्रह किया जा सकता है, उन पर दबाव बनाया जा सकता है तमाम किस्म के जो हैं उनसे कि साहब आप कम से कम इसमें से कुछ चीज़ों को जो है एक राष्ट्र के प्रति आप अपनी कमिटमेंट दिखाएं, आप ये कहें कि नहीं हम जो है पूरी तरह से इन मुद्दों को लेके कम से कम समर्पित हैं। कहने के बाद भी ना करें अलग बात है, लेकिन कम से कम एक बहस में आई थिंक इट विल बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जैसे प्रोफेसर मोहंती कह रहे थे कि आप जहाँ भी हैं जिस जगह पे भी हैं एट डिफरेंट लेवल्स आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट गेट बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। हमारे यहाँ बहस जो है ना वो पूरी तरह से हाशिए पे चली जा रही, जो कोर मुद्दे हैं जैसा मैंने आपसे कहा यूनिट कॉस्ट वाली बात जो है क्या वो एडिक्वेट है, अगर एडिक्वेट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से रिसोर्सेज ला सकते हैं, जब तक उन मुद्दों को हम केंद्र में नहीं लाएं, और ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके साथ साथ शिक्षा से जुड़ी हुई इतनी सारी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने हैं, उन सब पे भी आपको चर्चा करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बेसिक पब्लिक फाइनेंस है बजट है इसको जो है थोड़ा सीरियसली लेना अगर हम शुरू करें तो शायद कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। You got a lot of evidence how the present regime has further neglected education sector because the allocations on critical things have been reduced. तो अवहेला का बहुत सारे आंकड़े आपको मिला।